उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है आकिब फारूक आज के इस वीडियो सेशन में आपका बहुत खैर मकदम है गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस जो है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज आपको बताते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल पे हिट कीजिए ताकि जो भी हम अपनी तरफ से वीडियो अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी राइट right. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू तो इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस होता क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इनपुट डिज कंप्यूटर सिस्टम ओके इनपुट डिवाइसिकली होता क्या है हम इनपुट डिवाइस को ऐसे माने चलें कि ये जो इनपुट डिवाइस होता है इसके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा फीड करते हैं या हम कंप्यूटर के सिग्नल को कंट्रोल करते हैं ओके okay. अगर आपको अभी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा फीड करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो ये इट इज पॉसिबल ऑनली थ्रू इनपुट डिवाइसेस जब आपके पास कोई इनपुट डिवाइस होगा तभी आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा फीड कर सकते हो तो मैं यहां पे बात करता हूं डाटा की व्हाट इज डाटा डाटा किस शक्ल में होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे एक स्लाइड में ओके okay. हम स्लाइड बाय स्लाइड डिफाइन करेंगे कि डाटा के कितने टाइप्स होते हैं ग्राफिकल डाटा क्या होता है न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है एट्सट्रा एट्सट्रा राइट तो पहले हमें समझना है कि इनपुट डिवाइस होता क्या है ऐसा कोई हार्डवेयर डिवाइस इनपुट डिवाइस तो हार्डवेयर डिवाइस ही होता है उसको आप टच कर सकते हो उसको आप छू सकते हो इट हैज एनी फिजिकल शेप ओके जैसे हमने हार्डवेयर ऑलरेडी डिस्कस किया है एक लेक्चर में अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है तो हम यहाँ पे बात करते हैं कोई भी ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा फीड कर सकते हैं डाटा भेज सकते हैं डाटा एंटर कर सकते हैं तो हम ऐसे डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहते हैं ओके तो गाइस जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डाटा किसी भी शक्ल में होता है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन ग्राफिकल फॉर्म इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ओके ये जो डाटा होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है डाटा ग्राफिकल भी हो सकता है डाटा ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है तो ये मैंने आपको डाटा की कुछ एग्जांपल्स बताई तो कौन सा डिवाइस किस डाटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे आर डिफरेंट मिसाल के तौर पर अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट टाइप करना है मानो कि आपको अभी कोई लेटर टाइप करनी है तो उसके लिए आप स्कैनर का इस्तेमाल नहीं करोगे आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे क्योंकि आपको टाइप करना है इसी तरह अगर कोई तस्वीर स्कैन करनी है तो आप उस वक्त स्कैनर का इस्तेमाल करोगे अगर आपको वॉइस डाटा की शक्ल में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करना है तो आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करोगे माइक ओके अगर वीडियो भेजना है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो आप वीडियो कैमरा का इस्तेमाल करोगे इज नाउ क्लियर टू यू तो गाइस इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की ऐसे डिवाइस जिनके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा भेज सकते हैं या कोई भी डाटा फीड कर सकते हैं तो इनमें सबसे पहले आएगा कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक, इमेज स्कैनर ट्रैक बॉल स्पेस बॉल डाटा ग्लू टच स्क्रीन और लाइट पेन हम ब्रीफली इनको डिफाइन करेंगे अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप यहां पे ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं इनका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो और कुछ मिसालें आप जुबानी भी याद रख सकते हो ओके तो गाइस बात करेंगे यहां पे कीबोर्ड की कीबोर्ड को कहा जाता है इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के माने हैं ये लाजमी है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास स्कैनर नहीं होगा तो काम फिर भी चलेगा अगर आपके पास कैमरा नहीं होगा माइक्रोफोन नहीं होगा तब भी काम चलेगा मगर अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं होगा तो मुमकिन है जाहिर सी बात है कि आपका काम नहीं हो जाएगा दैट वाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इट इज मैंडेटरी ओके तो कीबोर्ड पे कितनी कीज होती हैं? 101 से लेकर 114 कीज हो सकती हैं इट डिफर्स फ्रॉम कीबोर्ड की बोर्ड इट डिफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर मतलब नॉर्मली ऐसे ही देखा गया है कि 101 टू 114 कीज देखे गए हैं यूजुअली कीबोर्ड्स पे ओके okay, कीबोर्ड जो है इट इज़ इनपुट डिवाइस इसके जरिए हम टेक्स्ट वगैरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फीड करते हैं तो टेक्स्ट की मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताई कि टेक्स्ट जो है दैट इज इनपुट दैट इज द डाटा दैट वी गिव टू कंप्यूटर दूसरी एक एग्जाम्पल है यहाँ दैट इज कॉल्ड माउस माउस की और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे माउस आपने देखा होगा यूजुअली आपने माउस एक ही टाइप का होगा देखा होगा मगर माउस के दो टाइप्स होते हैं एक माउस होता है जिसको कहा जाता है मैकेनिकल माउस और एक टाइप होता है माउस का जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल माउस ये दोनों डिफरेंट है मैकेनिकल माउस में ये जो व्हील वो माउस के नीचे इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल माउस आजकल आप देख रहे हो जब भी हम इसको कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लाइट आ जाती है मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस दोनों एग्जाम्पल है माउस की तो माउस क्या है माउस इनपुट डिवाइस है ऑलराइट और एक एग्जाम्पल अगर गाइज यहां पे लेंगे दैट इज इज फॉर गेमिंग गेमिंग के लिए ज्यादातर का इस्तेमाल किया जाता है तो जॉय स्टिक भी इनपुट डिवाइस में शुमार किया जाता है right. तो ये जो जॉय स्टिक है यूजली इसको कंप्यूटर गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आप यहां पे जॉय स्टिक के बटन देख सकते हो कौन सा बटन है और इसकी फंक्शन क्या है अकॉर्डिंगली यू कैन सी इट लेट्स मूव टू वन मोर डिवाइस और एक डिवाइस की गैस अगर यहाँ पे बात करेंगे दैट इज स्कैनर ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तो समझिए आप स्कैनर में कोई भी तस्वीर रखते हो कोई फोटो कोई डॉक्यूमेंट रखते हो और ये ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे ये आपको कहाँ पे दिखता है ये आपको दिखता है कंप्यूटर में दैट मीन्स इट इज़ इनपुट डिवाइस इसका अपोजिट जो है दैट इज प्रिंटर प्रिंटर जो है वो क्या है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है मगर स्कैनर आउटपुट नहीं है स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके ज़रिए हम ग्राफिकल डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑलराइट स्कैनर right. के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हम इस वक्त ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे लेट्स मूव टू वन ऑफ इनपुट डिवाइस और एक चीज होती है जिसको कहा जाता है ट्रैक बॉल okay, ट्रैक बॉल यहां पे देख रहे हो कि ये जो ट्रैक बॉल है इसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये माउस की तरह होता है ओके okay, माउस की तरह इस्तेमाल किया जाता है और माउस ही की तरह होता है और इस पे भी बटन होते हैं और इसको भी इनपुट डिवाइसेस में शुमार किया जाता है यूजली माउस में क्या किया जाता है और ट्रैक बॉल में कौन सी फर्क तो फर्क सिर्फ मूवमेंट की है जब आप माउस हाथ में लेते हो तो आप पूरे हाथ को मूव करते हो। Okay, जब आप माउस लेते हो आप इधर भी माउस को लेते हो घुमाते हो आप माउस को मगर ट्रैक बॉल क्या होता है ये भी माउस होता है पर हमें इस ट्रैक बॉल को नहीं करना पड़ता है हमें इस ये जो यहाँ पे बाल होती है इसी को रोटेट करना होता है आगे पीछे दाएं बाएं इसी को मतलब रोटेट करके हम कर्सर को मूव कर सकते हैं और राइट सो माउस और इस ट्रैक बाल में इतना ही फर्क है वरना ये भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है और राइट गाइज गाइज अगर और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे इनपुट डिवाइस की दैट इज स्पेस बाल maybe you यू माइट हैव this दिस first फर्स्ट टाइम ball ye ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है pe pressure प्रेशर अप्लाई किया जाता है इसको पुश और पुल डायरेक्शन या पुश और पुल फोर्स भी इस पर अप्लाई किया जाता है तो यूजुअली हम देखेंगे ये जो स्पेस बाल है किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओके okay? तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसको हम थ्री डी में इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल रियलिटी में इस्तेमाल करते हैं मॉडलिंग एनिमेशन और कंप्यूटर एडिड डिजाइनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी क्या है ये इनपुट डिवाइस है ओके okay, अगर कहीं पे एग्जांपल आएगी क्या स्पेस बाल इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है डोंट फॉगेट टू राइट स्पेस बाल इज एन इनपुट डिवाइस और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे लेंगे दैट इज टच स्क्रीन आपके मोबाइल फोन का टच स्क्रीन ओके आप टच करते हो फ़ोन पे अपनी उंगली से या पेन से तो ये रेस्पॉन्स लेता है आपसे ओके आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करना होता है आप इस मतलब क्या कहते हैं टच स्क्रीन पे टाइप करते हैं आपको जिस आइकन पे क्लिक करनी होती है, है आप मतलब उस आइकन पे हाथ से या उंगली से क्लिक करते हो इट टेक्स योर रिस्पॉन्स सो टच स्क्रीन जो होता है ये भी क्या है ये इनपुट डिवाइस है ओके okay. तो गाइस और एक ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं डाटा ग्लो डाटा ग्लो एक ऐसा डिवाइस होता है ये इनपुट डिवाइस है इसको हाथ में पहन के हम ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं इससे इस डाटा इस ग्लो में क्या होता है इसमें सेंसर्स होते हैं वायरिंग होती है जिसकी बुनियाद ये चलता है और इससे हम ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं और राइट लाइट पेन की अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेंगे लाइट पेन क्या होता है लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है तो अब आप बोलोगे कि ये किस काम आता है लाइट पेन ये जो लाइट पेन है इसको हम इनपुट डिवाइस के तौर पे मानते हैं इनपुट डिवाइस है ये लाइट पेन के तौर पर जो इंजीनियर्स होते हैं जब वो कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो ज़्यादातर लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं लाइट पेन के ज़रिए वो अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं और इस लाइट पेन से स्क्रीन पे राइट किया जाता है स्क्रीन पे लिखते हैं किससे इस लाइट पेन से स्क्रीन पे लिखते हैं इसमें डिटेक्टर होता है लाइट टू डिटेक्टर और जिसके ज़रिए हम स्क्रीन पे लिखते हैं तो ज़्यादातर इस लाइट पेन को यही कंप्यूटर ये सॉरी इंजीनियर्स वगैरह डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं गाइज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने ली आई होप दिस ऑल आर क्लियर टू यू अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिसेस गाइज फॉरगेट टू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस फर्स्ट वन इज डिजिटल कैमरा जैसे कि आप जानते हो कि डिजिटल कैमरा से हम तस्वीर लेते हैं वही तस्वीर फिर कंप्यूटर में हम सेव करते हैं केबल लगा के दैट इनपुट डिवाइस दूसरा है माइक्रोफोन माइक्रोफोन के माने हैं माइक माइक भी इनपुट डिवाइस है लाउड स्पीकर इसका अपोजिट है दैट मीन्स आउटपुट डिवाइस और तीसरी फॉर्म है डिजिटाइजर्स की डिजिटाइजर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं विच चेंजेस एनालॉग इनटू डिजिटल सिग्नल तो इनको भी हम इनपुट डिवाइस ही मानते हैं और चौथा है स्टाइलस स्टाइलस वो पेन होता है जिससे हम स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं अगर आपने इंट्रैक्टिव वाइट बोर्ड देखा होगा स्मार्ट बोर्ड देखा होगा उसके साथ एक पेन आता है उस पेन को कहते हैं स्टाइलस ओके okay. और एक एग्जांपल है डिस्क ड्राई की और मैग्नेटिक स्ट्रिप रेडर की ये दोनों एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस की सो गाइस आई होप मतलब हमने पाँच दस एग्जाम्पल यहाँ पे ली इनपुट डिवाइसेस की के आ, ताकि आप समझ जाओगे आई होप नाउ दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइज एनिवेज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द आइकन और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी सवाल होगा कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो तो हम आपके इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय